Children, today we are going to start our remaining part of this chapter, Use of Maps. Today our topic is Atlas. A book of maps is called an atlas. A good atlas provides a lot of information. It tells us about the political boundaries, physical features and natural resources of different countries in the world. ए बुक ऑफ मैप, जो मैप का जो बुक होता है वो क्या कहलाता है? एटलस। ए गुड, एक अच्छा एटलस क्या करता है? हमें बहुत सारी जानकारियाँ देता है। इट टेल्स अबाउट, ये हमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज, फिजिकल फीचर्स और नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में, जो अलग अलग कंट्री, जो पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्री हैं उनके बारे में जानकारी देता है। It also gives us information about the vegetation and climatic condition of different region. That is why maps are used more than globes. यह हमें information देता है वहाँ के vegetation, climatic condition, मतलब उस प्रदेश के, जो अलग अलग प्रदेश के vegetation और climatic condition है उनकी information देता है कौन? Atlas. That is why, इसलिए maps से मैप्स आर यूज मोर देन ग्लोब, ग्लोब से ज़्यादा क्या यूज होता है? मैप। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप्स। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स गिविंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट फिजिकल मैप, दीज मैप्स शो द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस लाइक रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन एक्सेट्रा। फर्स्ट क्या है? फिजिकल मैप। इसमें हम लोग फिजिकल फीचर्स जैसे प्लेस लाइक रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन, ये सब के बारे में जानते हैं। सेकेंड क्या है? पॉलिटिकल मैप, दीज मैप शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज, स्टेट एक्सेट्रा। पॉलिटिकल मैप्स में हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब एक कंट्री और स्टेट के बीच जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होता है उसके बारे में जानते हैं। थर्ड है क्लाइमेट मैप, दिज मैप टेल अस अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज रेनफॉल, स्नोफॉल, वेदर कंडीशन एक्सेट्रा ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस और ए कंट्री। इस मैप्स में हमें क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता चलता है, जैसे कब वर्षा होगी, कब बर्फबारी होगी, आज का मौसम कैसा रहेगा, ये सभी मतलब किस देश में, इसके बारे में हम किससे जानते हैं? क्लाइमेटिक मैप से। फोर्थ है वेजिटेशन मैप, दीज मैप शो द एरियाज ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। यह मैप क्या शो करता है? कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग किस एरिया में किस तरह का वेजिटेशन है। फिफ्थ है रूट मैप, दीज मैप शो रोड्स, रेलवे, एयरलाइन रूट एंड सी रूट। पीपल प्लान ट्रिप्स विद द हेल्प ऑफ दीज मैप्स। रूट मैप क्या शो करता है? वहाँ के रोड, रेलवे, एयरलाइन रूट, सी रूट्स, और जो लोग प्लेन ट्रिप बनाते हैं वो इसी रूट मैप्स के हेल्प से बनाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। ये पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया का मैप है। जैसे ऊपर में देखो रसिया है, चाइना, बहुत सारे कंट्री हैं, सभी चीज़ों को हम इस एटलस मैप से, मैप के जरिए देख सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ ए मैप, डिफरेंट साइन, सिंबल एंड कलर्स आर यूज टू शो द डिटेल्स ऑन ए मैप। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड रीड ए मैप। दिस कॉन्स्टिट्यूट द लैंग्वेज ऑफ द मैप। डिफरेंट साइन, मतलब अलग साइन, सिंबल, कलर, जो मतलब डिटेल्स में मैप में शो होते हैं वो हम इसी से पता, मैप में हमको पता चलता है अलग अलग कलर और सिंबल और साइंस से। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड, मतलब हमको मैप में इससे उसके उस बारे में जानकारी पढ़ने में, समझने में हमें हेल्प मिलती है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द फोर मेजर डायरेक्शन ऑन द मैप। ये चारों क्या हैं? मेजर डायरेक्शन ऑन द मैप हैं। द टॉप ऑफ इट शो द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इज मार्क्ड विद द अल्फाबेट एन। जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन, और उसका मार्क क्या है? एन। द बॉटम ऑफ द मैप इज द साउथ एंड मार्क्ड विद एस।
जो बीच का होता है मैप में वो क्या शो करता है, साउथ मार्क, और उसका क्या है मार्क, एस। टू योर राइट इज द ईस्ट, राइट में क्या है, ईस्ट, उसका मार्क है ई। एंड योर लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है, वेस्ट मार्क, और उसको हम लोग मार्क क्या है, डब्लू। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ इंडिया, यू विल फाइंड कश्मीर इन द नॉर्थ, कन्याकुमारी इन द साउथ, नागालैंड इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट। अपने तुम मैप में जब इंडिया मैप में देखोगे तो कश्मीर को नॉर्थ में देखोगे, कन्याकुमारी को साउथ में, और नागालैंड को ईस्ट में, और गुजरात को वेस्ट में। देखो यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हमारे डायरेक्शन हैं। बिसाइड द फोर मेजर डायरेक्शन देयर आर फोर सब डायरेक्शन टू, इसमें सब डायरेक्शन भी हैं फोर। दे आर नॉर्थ ईस्ट, द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड है नॉर्थ वेस्ट, द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट, द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। फोर्थ है साउथ वेस्ट, द डायरेक्शन मिडवे बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। सो चिल्ड्रेन, टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू।